A shocking story has now come from the city of Ahmedabad in the state of Gujarat. Unidentified assailants attacked foreign students at a Gujarat university, and this allegedly over offering namaz prayers in their hostel rooms. The attackers also vandalized the hostel room and resorted to sloganeering and throwing stones. After a few of the students who were also injured in this attack, they now have been admitted to a hospital in Ahmedabad. The police have now launched an investigation in the incident. Gujarat Home Minister, in fact, is also chairing a high level meeting to discuss the attack that took place on the students. Meanwhile, AIMIM Chief Asaduddin Noesi has launched a scathing attack at the ruling BJP government over the attack, questioning Home Minister Amit Shah to intervene and to send a strong message against the attack. He further went on and said that these attacks were actually damaging India's international image. हम लोग इधर तरावे पर आता साढ़े दस बजे तक आसपास हो जाएगा तो एक बार तीन लोग आया वो बोला इधर का क्या मसला चल रहा है वो हम लोग बोला नमाज पढ़ रहा है वो एक बार दूसरा पंद्रह लोग आया आपको कौन अलाउद्दीना ये गुजरात यूनिवर्सिटी इधर को नमाज पढ़ेंगे वो हम लोग को बोला ये तो रूल है क्योंकि इधर का फॉरनर लोग ज़्यादा है और मस्जिद भी बहुत दूर है तो इसलिए हम लोग इधर नमाज पढ़ाते हैं तो एक बार वो दो बहुत लोग ज्यादा होगा हम लोग को वो की मार आता है तो हम लोग लड़ाई ज्यादा होगा हम लोग रूम से अंदर आया वो लोग जो उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था इस ये वाला ये वाला चीज़ से अब मेरा रूम को वो हमारा सबके फ्रेंड का रूम टूट गया था वो रूम के अंदर आ गया और ये है अभी रूम का तबीयत अभी हाल ऐसा है दुख की बात तो ये है कि जब सब घटना बन रही थी उन्होंने पुलिस को फोन किया पुलिस आई तो पुलिस की हाजिरी में भी ये जो आसानी तत्व जो थे वो उन पर हमला कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ने के बजाय उनको वहां से जाने दिया ये बहुत बड़ी दुख की घटना है हमारी मांग है कि ऐसे जो दोषी पुलिस कर्मचारी जो वहां मौजूद थे जिन्होंने अपनी कानूनी फर्ज नहीं निभाई उनके सामने सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए अतुलिक बहुत अहम बात जो इस पर समझ में आती है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है लेकिन आसपास वाले लोगों का कहना है कि क्योंकि नमाज रूम के अंदर पड़ी जा रही थी यही कारण है कि ये अटैक हुआ देखिए नमाज की बात की जाए तो जो हॉस्टल का कैंपस है उसके अंदर की तरफ नमाज पढ़ी जा रही थी और जब कैंपस के अंदर नमाज पढ़ी जा रही थी उसी वक्त बी ब्लॉक से जो कुछ विद्यार्थी थे शुरू में वो इस नमाज को रोकने के लिए आए और जो भी बातचीत है वहीं से शुरू हुई एक वीडियो ऐसा भी सामने आया हुआ है जिसमें जो नमाज पढ़ी जा रही है उस वक्त एक युवक जाता है और वो वहां पे सवाल करता है कि ये नमाज यहाँ बाहर की तरफ क्यों पढ़ी जा रही है तब एक नमाज खत्म करके एक जो विद्यार्थी है वो खड़ा होता है और तमाचा मारने की शुरुआत वहीं से होती है इसी के बाद कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी थे जो जो असामाजिक लोग थे वो वहां पे पहुंच जाते हैं और जो भी विदेशी विद्यार्थी हैं उन पर अटैक हो जाता है एक जो भी ये वीडियो जो मैं बात कर रहा हूं ये वीडियो भी सामने आया हुआ है लेकिन पुलिस फिलहाल तहकीकात कर रही है इस पूरे मामले में गृहमंत्री हर संघवी की बात की जाए तो अहमदाबाद सर्किट हाउस में उन्होंने एक बैठक भी कर ली है डीजीसीपी जेसीपी क्राइम साइबर क्राइम समेत अधिकारियों से फिलहाल गृह मंत्री ने मुलाकात की है और तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल गुजरात यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल जहां पे ये पूरा घटना म हुआ है जहाँ पे विदेशी विद्यार्थियों पे अटैक हुआ है वहाँ पे पहुंच रहे हैं और आ, हो सकता है थोड़ी ही देर में पुलिस आ, आ, जो पूरी पुलिस की तरफ से भी एक अपना जो बयान है वो भी मीडिया के साथ साझा किया जाए जी